स्टार्ट है। चलिए, हमारे पीछे ये जो बड़ा सा ट्रक आपको दिखाई पड़ रहा है, पूरा ट्रक जो है वो केले के थामी से लदा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि समर राठौर आखिर यहाँ क्या कर रहा है, क्या केला खरीदने आया है या फिर केला बेचने आया? नहीं, आप गलत फहमी में। देखिए, छठ पर्व का त्यौहार चल रहा है और ये ट्रक जितना भी है वो सब जो है वो गरीबों के लिए आया है। जितना इस पर फल लदा हुआ है सब गरीबों को दिया जाएगा। और ये काम कौन कर रहे हैं ये हम बताने के लिए आए हैं। हम किसी नेता का एडवर्टीजमेंट नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग समाज की सेवा करते हैं, जो लोग समाज के हित की बात करते हैं, उसके लिए समर राठौर सदैव खड़ा रहता है। आज हम दिखाने आए हैं कि जिस इलाके में बड़े बड़े लोग हैं जो गरीबों की सेवा करते हैं, उसको प्रमुखता आप भी दीजिए, उनको प्रमोट आप भी कीजिए। देखिए, ये बड़ा ट्रक जो आया है, ये शख्स आदमी जो खुद से केले के थामी को निकाल रहे हैं, ये देखिए जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, ये एक समाजसेवी हैं। हम अभी बात कर रहे हैं फतेहपुर नगर पंचायत का, इनका नाम विक्की साव है। ये आज नई बात नहीं है, जिस समय कोरोना लॉकडाउन में बड़े बड़े नेता घर में घुसे थे उस समय विक्की साव जो है वो चावल अनाज गरीबों तक पहुंचा रहा था। और आज छठ पर्व का त्यौहार है, देखिए अभी तो ना चुनाव है ना कुछ है, उसके बावजूद ये काम कर रहे हैं। अब कुछ लोग कहते हैं, इनके जो इनको नहीं चाहते वो लोग कहेंगे कि चुनाव के लिए कर रहा है। तो भाई साहब बताइए ना, कोई चुनाव है क्या? अभी ये सांसद का चुनाव लड़ेंगे नहीं, नगर पंचायत का चुनाव है नहीं, ये जनता का सेवा के लिए कर रहे हैं। बाकी मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो आप काम कर रहे हैं करिए, बेशक करिए, लेकिन गरीबों के लिए भी कुछ करिए। हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर एक बार कहेंगे वो ट्रक को दिखाइए, ये ट्रक में पूरा केला लदा है और ये केला गरीबों के लिए आया है। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि विक्की साहब इतना पैसा कहाँ से लाता है? तो इनके कुछ दोस्त लोग हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं, वो लोग जो है इनको मदद किए हैं कि आप सेवा करिए, और वो दोस्त लोग यहाँ पर भी मौजूद हैं। तो सभी लोग समर्थन करते हैं, और गरीबों की जब बात सेवा के लिए आती है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मदद करते ही हैं। विक्की साहू जी थोड़ा इधर आ जाइए, ये बताइए, पूरा ट्रक मंगवा दिए एकदम, पूरा कहल इतना ट्रक मंगवाए हैं? छठ पूजा के शुभ अवसर पर मैंने छठ व्रतियों को केला घर घर जाके वितरण करना। अच्छा, इसलिए पूरा ट्रक मंगवा दिए हैं केला, एकदम इलाका में चर्चा का विषय बनाओ कि विक्की साहब जो है जो ट्रके से एकदम केला मंगवा दिए हैं। लगता है फतेहपुर नगर पंचायत में जितना घर है सब में बढ़ जाएगा केला? हाँ, सारा घर में बैठेगा। हाँ। और छठ व्रतियों को माता एवं बहनों को मेरा प्रणाम, सादर प्रणाम है, और सारे घर में जा के हम केला वितरण करेंगे। क्या जरूरत है ये सब सेवा करने का, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, केला भेजिएगा, कोई फायदा है आपको? सेवा करने में अच्छा लगता है, मन सुकून मिलता है। अच्छा और बुरा इसमें क्या होता है? फायदा से आपको मतलब नहीं है? हमको फायदा नुकसान थोड़ी मतलब है, ऐसा ना नहीं कि नेता होता है आप लोग इसमें करते हैं। नेता कुछ नेता से हमको कोई मतलब नहीं। अभी ये राजनीतिक मने नहीं लाना, पूरा बात नहीं बोले, ये कहने आस्था का चीज है। अच्छा, अच्छा, और आस्था को लेकर हमको मन हमेशा उत्साह रहता है, और हमको ईश्वर से हमको सामर्थ्य दे कि हर समय हम लोगों को मने सेवा भाव से। देखिए, बात जब समाज सेवा की आती है तो नेता का बात आता है, कि बाकी वो नेता कहाँ है जो गरीबों के लिए कहते हैं कि हम गरीबों के हितैषी हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, तो ये चीज़ उनको करना चाहिए, वो क्यों नहीं कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं? देखिए, नेता का बात रहा सर, तो हमको नेता से कोई लिया दिया नहीं है, और हम अपना जो अच्छा लगता है हम वही करते हैं, और विशेष क्या बोले हम, बताइए। हाँ। जो हमको अच्छा लगता है वो हम करते हैं, इसको मैंने राजनीतिक इसमें कुछ नहीं है। अच्छा। कि हम अपना स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे, मन को शांति लेकर। अच्छा, जो छठ पूजा कर रही हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या मतलब वो इंतजार करें कि विक्की साहब हमारे इलाके के हैं वो आएंगे मदद करेंगे? जी जरूर, जिनको जरूरत रहेगा। हाँ। उनको हम आर्थिक मदद भी देंगे। जो लाचार व्यक्ति अगर छठ पूजा कर रहे हैं और थोड़ा मजबूर है तो हमको एक बार कॉल किया जाए, हम उनको। आप सिर्फ नगर पंचायत के लिए सेवा कर रहे हैं या फिर अगर पूरे इलाके के फतेहपुर छठ के कोई लोग जिनको जरूरत होगा फोन करेंगे मदद करिएगा? हाँ करिएगा, करेंगे। युवाओं के लिए मदद करिएगा, युवाओं के लिए तो हमेशा तत्पर रहिए। हाँ, जो गरीब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं उनको मदद करिएगा। हम तो पहले भी बोल चुके हैं। हाँ। इसी में कि अगर बच्चा जो नहीं पढ़ रहा है। हाँ। या अनाथ है कहीं, अगर मजबूर है तो हम जहाँ तक हो सकता वहाँ तक मदद करेंगे। अच्छा, कितना पैसा लग गया है इसमें? पैसा का क्या बात, सबका सहयोग से हो रहा दोस्ती। आप अभी सहयोग कीजिएगा, आपका भी होगा। बिल्कुल। हार तो विशेष क्या बोले, कोई मतलब निष्पक्ष भाव से एकदम सेवा में लगे हुए। बस लगता है आप दिवाली में भी मिठाई पूरा बांट रहे हैं। हाँ, कुछ बांटे, पूरा नहीं बांटे, हल्का फुल्का बांटे। हाँ, एकदम लगे हुए तन मन धन से। बस आप लोग आशीर्वाद है, बाकी ऊपर वाला है। देखिए, तो ये नगर पंचायत के विक्की साहब इधर आ जाइएगा। देखिए, यहाँ से केला उतर के ये ठाकुर बारी है, यहाँ पे जो है आ जाएंगे, थोड़ा यहाँ पर केला रखा जा रहा है, और फिर कल या फिर परसों जो है वो सभी के घरों में ये खुद जाएंगे, रिक्शा लेकर जाएंगे, गाड़ी लेकर जाएंगे, और सभी के घरों में ये केले का थामी जो है वो वितरण किया जाएगा। तो आप इंतजार करिएगा, विक्की साहब आपके दरवाजे पर आएंगे और निष्पक्ष भाव से, सेवा भाव से आपके घर पर ये प्रसाद देने के लिए आएंगे। इनका ये कहना नहीं है कि आप हमें सपोर्ट करिए, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो सही ढंग से जो है वो पूजा करने की इच्छा रखते हैं लेकिन उनके पास उतना आर्थिक तौर पे वो मजबूत नहीं है कि पैसा खर्च करके धूमधाम से मनाया जा सके, तो विक्की साहब आपके लिए हैं। और बाकी फतेहपुर के बाकी सारे हम समाज सेवी लोगों से कहना चाहेंगे कि आप भी बढ़ चढ़ कर इसमें जो है वो हिस्सा लीजिए और गरीब लोगों को मदद करिए। हमारा ये काम था
की तस्वीर को दिखाया जाए कि जो लोग समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं उनको मदद की ज़रूरत है। और मदद कौन करेगा, तो इस इलाके के लोग करेंगे, वैसे लोग करेंगे जो इच्छा रखते हैं कि नहीं, जिस तरह से हम खा पी रहे हैं, जिस तरह से हम पूजा अर्चना कर रहे हैं, गरीब घर के लोग भी पूजा अर्चना करें। तो ये हमारा दिखाने का मकसद था। बाकी आप क्या सोचते हैं इस बारे में, जो विक्की साहब लोगों की सेवा कर रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। JK News 24x7 के लिए मैं समर राठौर गया से।